प्रथम तहलका न्यूज। मुझे मेरी बीबी से बचाओ, मुझे मेरी बीबी से बचाओ। गाने के ये बोल चाहे रोमांटिक थे, लेकिन जिंदगी की हकीकत में यमुनानगर के पुलिस का एक जवान अपनी बीबी के जुल्मों सितम से इतना खौफजदा है कि उसे अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इसे समझ नहीं आ रहा कि इंसाफ की गुहार लेकर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हमारे कानून में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। अब जब इस जवान के साथ मारपीट की सभी हदें पार हो गई, तो नौबत यहाँ तक आ गई कि इसे अपनी जान का भी खतरा सताने लगा। तो आखिर इन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। मेरा झगड़ा सीमा है, जिसकी शादी मेरे साथ 2001 में हुई थी, और शुरू से ही शादी के बाद ये इन लोगों ने मेरे को कई बार मारने की कोशिश की गई है, बहुत बार मारने की कोशिश की। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है, पता नहीं क्या परमात्मा मेरा साथ दे रहा, जो मर नहीं रहा। आपको इन्होंने कई बार मारने की कोशिश की है, तो आपने कोई इनके खिलाफ कदम, सख्त कदम नहीं उठाया? पहले कई बार देखे मैंने, लेकिन जहाँ भी जाता है प्रशासन एक ही बात कहता है कि अभी ना पत्नी को मारता, लेकिन आदमी हर जगह गलत नहीं होता। आदमी की गलती नहीं, गलती है ये हर जगह, चाहे कुछ भी कर ले आदमी। तो जोन सा अब झगड़ा हुआ, ये झगड़ा कब हुआ है? ये झगड़ा मेरा 3-4 दिन पहले हुआ है जी। 3-4 दिन पहले हुआ है, तो उसमें आपको चोट भी लगी है? मेरे को 6 चोटें लग रही, जिसकी MLR की कॉपी और एक रिटर्न कंप्लेंट मैंने सिटी थाने में दी थी, और एक रिटर्न कंप्लेंट मैंने SP ऑफिस में दी है। तो क्या उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और कल फिर इन्होंने मेरे पे, और जो मेरी लीव एंड रिलेशन में पत्नी रहती थी पूजा देवी, उसको भी आकी हमारी शर्म में, उसके भी 3 टांके लग रहे शर्म में जी। 3 टांके लगे हैं? हाँ जी। ये वारदात कब हुई है? कल शाम को हुई है। हाँ जी। पुलिस का ये जवान अपनी दर्द भरी दास्तान बताकर अपनी जान का खतरा होने की बात जरूर कर रहा है। साथ ही उनका कहना है कि पुलिस महकमे में कभी भी पुलिस वाले की कोई सुनवाई नहीं की जाती, उन्हें इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मुझे न्याय चाहिए जी, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। मुझे ये पता नहीं कि ये लोग किस टाइम किस घड़ी मुझे मारते हैं। नहीं, आप तो खुद एक पुलिस में है, आपके पुलिस में होते तो आपको तो कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। ये दुनिया के लिए पुलिस है सर, हमारा महकमा जो है ना, हमारी कार्रवाई नहीं करता, बाकी सब की कर देता। क्यों, ऐसा क्यों है? आप भी तो एक आम इंसानी है, एक वर्दी है आपके पास, उसके बाद तो आम इंसानी है, आप सिविल भी हैं। लेकिन हमारा प्रशासन ये चीज़ नहीं देखता। यूं तो पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को नाकों तले चने चबा देती है, लेकिन अगर कोई पारिवारिक मसला आ जाए तो इन्हें बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब देखना ये होगा कि इसके पारिवारिक मसले की यह उलझन सुलझती है या नहीं। यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।